मध्य प्रदेश की राजनीति में अलग नाम कमाने वाले संत कंप्यूटर बाबा का छिंदवाड़ा आगमन हुआ। वह पिछले 2 दिनों से छिंदवाड़ा में ही भ्रमण पर थे। आज कांग्रेस नेता आनंद बख्शी के निवास पर उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने भाजपा सरकार को संतों और गौ माता के खिलाफ बताया। उन्होंने बताया कि जिस तरह कमलनाथ ने कोरोना काल में संत समाज की भोजन की व्यवस्था की थी, यह काम भी भाजपा सरकार नहीं कर पाई। इसके उलट कांग्रेस काल में गौशालाओं का जो निर्माण कराया जा रहा था, उसे भाजपा की सरकार ने आते से ही रोक दिया। आज भी अधूरी पड़ी गौशाला इसकी गवाह है। देखें पूरी खबर। तो सभी में न्यूज़ है, पत्रिका, एक्सप्रेस। हाँ आओ सुलझा ली उसको। ये महाराज जी डॉक्टर महेश चाडक जी हैं। नाम नामदेव व्यास त्यागी मेरे गुरु महाराज का है। क्योंकि महाराष्ट्र में एक नामदेव संत थे, उनके तहत उनका नाम करके मुझे मेरे गुरु महाराज ने नाम रखा। पर मेरा लगभग 25 साल पहले की बात है, जब दिग्विजय सिंह जो है मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो चूंकि कंप्यूटर उस समय नया नया आया था, तो हमारी वर्किंग, हमारे बुद्धि का परिचय उनको लगा, जनता को लगा कि कंप्यूटर की तरह है। इसीलिए उस समय से हमें कंप्यूटर बाबा का नाम दिग्विजय सिंह ने दिया था और वो आगे चल पड़ा। आज मुझे कंप्यूटर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। पर एक आध बहुत सारे बता, देखिए गौ माता का मामला देख लीजिए। जब कमलनाथ सरकार 15 महीने में हजारों गौशालाएं बनाई और हजारों और आने बनने जा रही थी, कुछ तो बन गई थी, कुछ आधी बनी, कुछ शुरुआत हुई, पर शिवराज सरकार ने जहाँ थी गौशाला उसको वहीं बंद करवा दी। जो 20 रुपये, 22 रुपये, 24 रुपये जो खुराक थी, एक दिन की खुराक 22 रुपये, लगभग 22 रुपये के आसपास एक गऊ के लिए जो व्यवस्था की थी, वो शिवराज सरकार ने 2 रुपये, 2.5 रुपये कर दी है। बताइए गाय कैसे हुई? अन्याय की बात करें, अधर्म की बात करें, देखिए नर्मदा में अवैध खनन हो रहा है, नर्मदा को बचाने के लिए कमलनाथ जी ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक है। मतलब रात दिन मेहनत करके हम लोग को साधु संतों को कि नहीं महाराज, नर्मदा में अवैध खनन ना हो, माँ नर्मदा बचे, नर्मदा जी का सीना जो हो छलनी ना हो। पर आज देखिएगा अवैध खनन का अंबार लगा है। कोरोना काल में भी लाखों, हजारों नहीं लाखों डंफा निकले हुए गौ के साथ, हमारे साधु संतों के साथ। यदि लोकतंत्र यात्रा निकालते हैं तो संतों के जो आवास है वो उजाड़ रहे हैं, साधु संत को डरवाया जा रहा है कि हम तुम्हारे आश्रम तोड़ देंगे। कोई बात नहीं, ना करें, पर उसे दंड भी ना दे, ये तो ना करें। संतों को बोलने तो दे, बोलने भी नहीं दिया जा रहा। आज देखिएगा कोई भी सरकार के विरोध में कोई बोल ही नहीं सकता, ना गौ के बारे में कोई बोल सकता है, ना नर्मदा के बारे में बोल सकता है। मतलब साधु संतों का मुंह बंद कर दिए, जनता का तो चलो करे ही तुमने बंद, अरे हमारे ही मुंह बंद कर दिए, हमारे संतों का मुंह बंद। के बैनर पे आप आएंगे प्रदेश में इस बात को लेकर सामने? नहीं, देखिए करेंगे, कोई अनशन करेंगे? देखिए हम बैनर में क्यों करें, हम साधु संत हैं, हम जनता के सामने अपना सनातन धर्म के लोग सामने आएंगे और अपनी बात करेंगे। आप कहेंगे कि कांग्रेस को फायदा हो रहा, तो कांग्रेस धर्म में चलेगी तो फायदा उनको होगा, और तुम अधर्म में चलोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, सीधी सी बात है। पर साधु मैदान में तो रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने क्या मदद की कोरोना काल में? बहुत सारी मदद करी, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, ये कमलनाथ जी ने जो किया है वो ऐतिहासिक है। मैं तो कहता हूँ यदि नेताओं को सीखना है, यदि बीजेपी के नेताओं को, तो कमलनाथ जी से सीखें। शिवराज जी को सीखना है कि मुख्यमंत्री को कैसे होना चाहिए, तो कमलनाथ जी से सीखें। अरे आप 15-5 साल उन्हें इसीलिए तो गए, उन्होंने अपने गुट बना के भेज दिया। अब आने वाले समय में मैं कांग्रेस से भी कहता हूँ कि बहुत सारे साधु संतों को भी अब वो टिकट दें, मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में कांग्रेस को भी अब टिकट देना चाहिए। मुझे क्यों बनाया था मंत्री आपको नहीं मालूम? मैं नर्मदा घोटाला यात्रा निकालने वाला था तो मुझे मंत्री बना दिया। मुझे नहीं, मेरे साथ 5 लोग थे, एक को नहीं, मैंने 5 लोगों को मंत्री बनाया और कहा जब हम लोगों ने फिर वही सरकार आई तो इंदौर आश्रम में बुलडोजर। हाँ तो वो वही में बिल्कुल ठीक है, मैं सुनिए एक मिनट में बता देता हूँ। और जब मंत्री बनाया तो हम लोगों ने कहा नर्मदा काम, बोले महाराज आप करिए, तो ठीक है हम लोग नहीं निकालेंगे, नर्मदा काम संतों को दिया जाए। संतों ने अपना काम शुरू किया, तो इन्होंने मेरे ख्याल से हम लोग सरकार में लगभग 1 साल रहे
और उन्होंने जो है बोले महाराज अवैध खनन नहीं रोक सकते आप, अवैध खनन तो चलेगा क्योंकि पार्टी के लोग ही कर रहे थे, इनके ही लोग कर रहे थे, इनके कार्यकर्ता कर रहे थे, इनके परिवार के लोग कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी के। तो मैंने कहा मैं साधु संत हैं, हमको कोई ये नहीं चाहिए। हम लोगों ने मंत्री पद को ठोकर मार दी और 8 महीने 9 महीने पहले हम सरकार से बाहर हो गए। अब सारे संतों ने कहा कि कोई भी सरकार हो इनको तो नहीं देंगे कि उन्हें अनादर कर रही है, गौ माता के अत्याचार कर रहे, नर्मदा पे अत्याचार कर रहे, संतों पे अत्याचार कर रहे। और देखिएगा एक मिनट देखिएगा, और हम लोगों ने जब संतों ने जनता से अनुरोध किया कि जनता जनार्दन 5 साल इनको दिया जाए, जनता ने सुनी और 5 साल कांग्रेस को दिया। अब जब हम अपनी बात करने के लिए संतों ने अभी जब लोकतंत्र की यात्रा की हम लोगों ने निकाली तो क्या हुआ, आपने देखा कि बिल्डोजर, मतलब वही है कि आप बोलिए मत, बोलिए तो हमारे तरफ बोलिए, ये तो कोई बात नहीं हुई। मतलब हम बीजेपी में रहें तो ठीक, और हमने यदि कांग्रेस की बात कर, अरे कांग्रेस नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आप पार्टी, जो भी